त्योहारों से पहले सरकार खाद्य तेल की कीमतों में कमी करने की कोशिशों में जुटी हुई है। आयातित तेल से शुल्क में कमी करने का असर दिखने लगा है, लेकिन घरेलू तेल सरसों के लिए ये लागू नहीं होता। ऐसे में इसके दाम पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। ऊपर से आगामी फसल आने में अभी एक महीने की देरी की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरसों की कीमत क्या कम हो पाएगी? बुवाई में देरी के कारण सरसों की अगली फसल आने में भले ही एक महीने की देरी की बात कही जा रही है, लेकिन उत्पादन दोगुना होने की संभावना है। ऐसे में नई फसल के आने से दाम में गिरावट की कुछ उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी इसमें वक्त है, त्योहारों से पहले सरकार दाम करने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार की ओर से मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में तेल मिलों और व्यापारियों को अपने सरसों का स्टॉक वेब पोर्टल पर खुलासा करने का निर्देश जारी होने के साथ उनके पास जो कुछ बचा कुचा स्टॉक था उसे निकाल दिया गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैसे बाजार के टूटने से सरसों पर दबाव है, मगर इसमें मांग और आपूर्ति का अंतर अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि आम गिरावट के रुख के बावजूद सरसों पर इसका कोई विशेष असर नहीं है, क्योंकि इस तेल का और कोई विकल्प भी नहीं है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के फैसले का असर सरसों की कीमतों पर तब पड़ता जब पर्याप्त स्टॉक मौजूद होता। अभी सरसों का काफ़ी कम स्टॉक है और वह भी किसानों के पास ही है। इस वजह से मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर हो गया है। देश में प्रतिदिन 3 लाख बोरी सरसों की खपत है। वहीं आवक मंडियों के अंदर अभी हाल फिलहाल 95,000 बोरी से 1 लाख बोरी के आसपास बनी हुई है। ऐसे में सरसों के दाम में कोई विशेष कमी की उम्मीद नहीं है। इस बार भी देश में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। खरीद शुरू होते ही मिलों ने ज़्यादा मात्रा में पेराई शुरू कर दी। अब सरसों की कमी के कारण कुछ प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में 60% तक पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। नई पैदावार के आने और पेराई शुरू होने के बाद ही सरसों तेल की कीमतों में कुछ गिरावट की संभावना बन पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।